अघोषित विद्युत कटौती से किसान परेशान, सूख रही फसलें। अनुविभाग करेरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम करही के विद्युत पावर हाउस से 27 गांवों के लिए विद्युत आपूर्ति की जाती है, लेकिन विगत 3 वर्षों से सभी गांवों के निवासी नियमित रूप से बिजली ना मिलने की समस्या से परेशान हैं। तो वहीं वर्तमान समय में एक ओर तो वर्षा ना होने से फसलें बर्बाद हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत विभाग भी ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 4 घंटे ही बिजली की सप्लाई कर रहा है, वो भी रात में तो कभी दिन में। इसके ऊपर उसी समस्या में विद्युत कटौती भी दी जा रही है। गाँव में सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से किसान चिंतित हैं कि कहीं पानी नहीं मिलने से उनकी फसल ना सूख जाए। किसान लगातार बिजली अफसरों के दफ्तरों में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह भी सप्लाई बंद हो रही है, जबकि किसानों को सिंचाई करने के लिए भरपूर बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली विभाग के अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है, उनके द्वारा जारी मोबाइल पर कभी भी फ़ोन पर बात नहीं की जाती है, किसान प्रतिनिधियों ने बताई पीड़ा। ग्राम करही के निवासी नीरज शर्मा ने बताया कि विद्युत समस्या की जानकारी किसानों द्वारा सभी अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को बता दी गई है। यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो किसान मजबूर होकर सड़कों पर उतर कर तीव्र विरोध करने पर मजबूर होंगे। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। आप किसान लोग जो आए हुए हैं, किस गांव से या किस क्षेत्र से आए हैं, समस्या क्या है आपकी? हम करही ग्राम से आए हैं। मेरा नाम नीरज शर्मा है। हम सभी किसान भाई करही पावर हाउस के अंतर्गत 27 ग्रामों से आए हैं और हमारी समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक ट्रांसफार्मर एक पावर हाउस में रखा हुआ है, छोटा ट्रांसफार्मर है, 5 उसका हॉर्स पावर का। ये इनकी समस्या, हमारी समस्या क्या है कि उस पर लोड 27 ग्राम का ज़्यादा होने के कारण हमारे पास लाइट पूरी लाइट मिल नहीं पा रही है। 5 घंटे हमको मिलती है मान पंप फीटर पर लाइट, और 5 घंटे मिलती है हमको फीटर से ऑपरेशन पर लाइट। इससे सारे ग्रामीण जन परेशान हैं और सभी का मांग है ये है कि एक ट्रांसफार्मर हमारे पावर हाउस में और बढ़ाया जाए ताकि हम लोगों को पर्याप्त लाइट मिल सके।